महापर्व का शंखनाद होने जा रहा है। मिनटों का वक्त बचा है जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधे घंटे से आसपास का कुछ समय बचा है जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उसके बाद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान है। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण में मोदी कैबिनेट के 8 मंत्री, जिनकी किस्मत आज दांव पर होगी, जो जनता के सामने है और जनता इनकी किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। तमिलनाडु में सभी 39 सीटें जिस पर मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा और 20 राज्य हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है। कुछ कुछ सीटें इन राज्यों की जिस पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो आज पहले चरण का चुनाव और पहले चरण के चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि देश में आज कहां कहां वोटिंग होनी है, किस राज्य की कौन कौन सी सीट है जिस पर आज मतदान होगा। इसको लेकर तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। आप देखिए, उसमें अरुणाचल प्रदेश जहां पर 2 सीट पर मतदान होंगे, असम की बात करें तो यहां पर 5 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इसके अलावा बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश की कुल 6 सीटें जिस पर आज वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। मणिपुर की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का राज्य जहां पर 2 सीटों पर मतदान होगा। मेघालय में भी 2 सीटें और यहां पर भी आज ही वोटिंग होने जा रही है। मिजोरम की 1 सीट और यहां पर भी आज वोटिंग हो जाएगी। नागालैंड की भी 1 सीट पर आज वोटिंग होगी। तो ये वो राज्य हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां अपनी तरफ से की हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 12 सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। तो ये